वेलकम स्टूडेंट ऑन माई चैनल ट्रू स्कॉलर। टूडे वी विल स्टडी अ पोएम। पोएम नेम इज दी स्क्वेरल। पोएम इज कम्पोज बाय मिल्ड्रेड वॉवर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। सबसे पहले हम पोएम से इंट्रोड्यूस हो लेते हैं, उसके बाद में लाइन वाइज लाइन हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। यू मे हैव सीन अ स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट। व्हाट डिड इट लुक लाइक? हेयर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ स्क्वेरल। बच्चों, भूमि पर या जमीन पर बैठकर अखरोट खाती हुई गिलहरी तो आपने देखी होगी, यह कैसी दिखती है। हेयर इज अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन्स होता है वर्णन करना। ऑफ जस्ट सच अ स्क्वेरल, इसी प्रकार की एक गिलहरी का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। तो चलिए अब पोयम शुरू करते हैं। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। ही लाइक टू टीज एंड प्ले एंड इफ वी रन अराउंड हिज ट्री ही वेंट द अदर वे। ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। बच्चों देखिए, चित्र में आप देखिए कि जो गिलहरी की पूंछ है वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है। कवि महोदय बताते हैं कि गिलहरी बैठी हुई अवस्था में उसकी पूंछ जो है वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है, प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह दिखती है। एन ओवर कोट ऑफ ग्रे, कवि ने उसके शरीर पर जो बाल हैं, जो भूरे बाल हैं, फर हैं, उसको ओवर कोट कहा है। तो उसके शरीर पर जो बाल हैं वो भूरे हैं। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। स्ट्रेट मीन्स होता है सीधे। सेटअप बैठा हुआ है टू ईट खाने के लिए अ नट, एक अखरोट। वह एक अखरोट खाने के लिए सीधा बैठा हुआ है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। टीज माने होता है परेशान करना या तंग करना। उसको यानी गिलहरी को तंग करना और खेलना अच्छा लगता है। एंड इफ़ वी रन अराउंड हिज ट्री, और जब हम उसके पेड़ के पास जाते हैं या घूमते हैं, ही वेंट द अदर वे, तब वो दूसरी यानी विपरीत दिशा में भाग जाता है। तो कवि महोदय बताते हैं गिलहरी के बारे में, वो बताते हैं कि उसकी जो पूंछ है वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है, और उसके शरीर पे जो बाल हैं यानी जो फर हैं वो भूरे हैं। वह अखरोट खाने के लिए सीधा बैठा हुआ है। उसको तंग करना और खेलना पसंद है, मीन्स टू से कवि के साथ उसको खेलना और उनको तंग करना पसंद है, उसको अच्छा लगता है। और जब कभी उसके पेड़ के पास में जाते हैं तो वह विपरीत दिशा में भाग जाता है, यानी कि वो उस समय भी कवि को तंग कर रहा होता है या उनके साथ खेल रहा होता है। बच्चों, पोएम आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। पोएम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पोएम। थैंक यू।